कैसा रहा था? वॉच वॉइस मतलब कल की क्लास में हमने कुछ एग्जांपल आप लोग को बताए थे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के ना। अब देखिएगा जहाँ दिक्कत हो उसको समझिएगा और पूछिएगा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होता है जो अपने आप में खुद में एक्टिव हो, जो किसी की जरूरत ना पड़े एक्टिव वॉइस, जिसको जरूरत पड़े पैसिव वॉइस। चलिएगा बनाइएगा पहला। पहला एग्जाम्पल लिखिए भाई, चलिए तुरंत। सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, सी इज सिंगिंग एस आई एन जी सिंगिंग ए सॉन्ग। Sung by her. She is singing a song. A song is being sung by her. ये आपका active and passive voice example है ना? एक और लिखिए example. लिखिएगा ही डिड नॉट राइट WRITE LETER एक्टिव वॉइस है। पहले देखिए कौन सा टेंस है। ही मतलब वह, नॉट मतलब नहीं, राइट मतलब लिखता था, लेटर मतलब पत्र। वह एक पत्र नहीं लिखता था, वह एक पत्र नहीं लिखता था। डिड कहाँ लगता है? ता था, ती थी, ते थे में। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। किस में जाएगा पैसिव वॉइस? पास्ट कंटीन्यूअस में जाएगा। किस में जाएगा? पास्ट कंटीन्यूअस में। ए लेटर पैसिव वॉइस ए लेटर LETER ए लेटर। अब लेटर एक वचन है बहुवचन पर देखिए। लेटर एक वचन है बहुवचन है। लेटर एक एक आदमी एक पत्र है ना, तो वाज ए लेटर वाज। उसके बाद क्या लगेगा? वाज नॉट रिटेन। क्या होगा? वाज नॉट रिटेन, रिटेन WRITEN रिटेन, रिटेन बाई हिम। ही का हिम में चला जाता है, ही का हिम में, रिटेन बाई हिम, रिटेन बाई हिम। अब ऐसे ये साधारण से टेंस में थे, कुछ आपसे सवाल पूछेंगे, अरे जी बोलो कार चलाओ, ऐसे बोलेंगे, वहां पर हम लेट का प्रयोग करते हैं। किसका? लेट का। उसको सिखा दे रहे हैं लेट वाला वाक्य। उसके बाद खत्म हो जाएगा एक्टिव पैसिव। चलिए चलिए एक्टिव वॉइस हो गया, एकदम इजी था ना। अब देखिए एक और बचा है, उसको आज समाप्त कर दे रहे हैं एक्टिव वॉइस। कल से डायरेक्ट इनडायरेक्ट शुरू कर दिया जाएगा। चलिए देखिए इसमें पहले क्या आएगा आपका? लेट। क्या आएगा? लेट L-E-T लेट प्लस सब्जेक्ट। क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट प्लस बी। क्या लगाएंगे? बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस आप जानते हो एक्टिव पैसिव चार्ज इसका बनाओ, एक्टिव चार्ज इस फॉर्म में हो, आप पैसिव बनाते समय हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखेंगे। आप पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही नोट करेंगे, ठीक। जैसे पहले क्या है, कार चलाओ आदेश दिया आपको ना, कार चलाओ।
इसका क्या होगा, बताओ? कार चलाओ, ड्राइव द कार, ड्राइव मतलब चलाना आता है। देखिए कार चलाओ, कार चलाओ, ये मान लो हिंदी में हमने दे दिया, इससे कैसे बनेगा ड्राइव, ड्राइव मतलब चलाना, डी आर आई वी ई, ड्राइव द कार, ड्राइव द कार, कार चलाओ। अब इसमें आपको लेट का प्रयोग करना है प्लस सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए इसको मैं कैसे बना रहा हूँ, इधर देखिए इसको बनाने के एकदम आसान तरीके देखिएगा। पहले आप क्या लिखेंगे, लेट, क्या लिखेंगे, लेट, पैसिव, ये एक्टिव है आपका, पैसिव बनाइए, एल ई टी लेट हो गया। अब लेट सब्जेक्ट क्या है आपका, द कार, क्या है, द कार, द कार हो गया। इधर देखिए लेट, रोहित लेट लगा दिए, सब्जेक्ट द कार लगा दिए। अब यहाँ पर बी, बी लगा दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्राइव का, ड्राइवेन क्या होता है, ड्राइवेन, डी आर आई वी ई एन, ड्राइवेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, खत्म। लेट दी कार बी ड्राइवेन, लेट दी कार बी ड्राइवेन। हाँ ये ऊपर एक्टिव था, नीचे क्या बना दिए पकड़ के, पैसिव, ऊपर एक्टिव नीचे क्या था, पैसिव हो गया। अंग्रेजी बोलो, अगर लिखिए अंग्रेजी बोलो, मैं तुम्हें आदेश दिया, अंग्रेजी बोलो, अंग्रेजी बोलो, स्पीक इंग्लिश, इसका क्या होगा, स्पीक इंग्लिश, इसको मिटाएं। हाँ चलिए अंग्रेजी बोलो, स्पीक, एस पी ई ए के, स्पीक इंग्लिश, ई एन जी एल आई एस एच, स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलो। इसका बनाइए फट से, लेट लगाइए, बी लगाइए, सब्जेक्ट लगाइए, जल्दी करिए, तुरंत बनाइए एक्टिव पैसिव वॉइस इसका, स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलो, क्या हो जाएगा, लेट इंग्लिश बी स्पोकन, बस हो गया। चार चीज लाना है ना हमको, पहले क्या लिख देंगे, लेट, लेट सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश है, ई एन जी एल आई एस एच, लेट इंग्लिश, बी बी के बाद स्पोकन, एस पी ओ के ई एन, स्पोकन, ठीक हो गया नहीं हो गया, लेट इंग्लिश बी स्पोकन, अंग्रेजी बोलो। एक गिलास पानी दो, एक गिलास ठंडा पानी दो, सीधे लिख दो, एक इसको हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी कीजिए भाई, हो गया, रेस कर रहे हैं, एक गिलास ठंडा पानी दो, एक गिलास ठंडा पानी दो, इसको बनाओ एक्टिव वॉइस, गिव ए गिलास ऑफ कोल्ड वाटर, गिव ए, जी आई वी ई, गिव ए ग्लास, जी एल ए डबल एस, ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर, डब्ल्यू ए टी ई आर, गिव ए ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर, एक ग्लास ठंडा पानी दो, कोल्ड वाटर। अब देखिए एक ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर, ये पूरा क्या है आपका, सब्जेक्ट है, ए ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर क्या है, पूरा सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लेट, क्या हो जाएगा, लेट, लेट ए ग्लास, जी एल ए डबल एस, ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर, डब्ल्यू ए टी ई आर, वाटर, बी बी गिव का गिवन होता है, क्या होता है, गिवन, जी आई वी ई एन, गिवन, गिवन मतलब देना, गिवन, जी आई वी ई एन, गिवन, समझे नहीं समझे, पूरा इसमें आपको दो ही चुनना है, सब्जेक्ट चुनना है, वर्ब थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट पूरा है, ये एक ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर, ठीक।
एक्टिव वॉइस समझना चाहिए पहले, किस टेंस का है, थोड़ा सा हार्ड पड़ता है। अगर आप समझ लिए तो आप पैसिव वॉइस सख्त बना दोगे, और नहीं समझ पाए तो नहीं बना पाओगे। एक्टिव पैसिव का मेन नियम है, एक्टिव वॉइस पहले आप देखिए किस टेंस में है, किस रूल में है, किस नियम कौन सा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला, इसको रेस करें, रेस करते हैं। चलिए अगला लिखिएगा, अपना सवाल पूछो, अपना सवाल पूछो, ask your question, ask मतलब पूछना, ASK, ask your, YOUR, question, QUESTION, ask your question, अपना सवाल पूछो, अपना सवाल पूछो, ask your question, ask का हो जाएगा asked, क्या हो जाता है asked, तो your question क्या बन जाएगा आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, ask your question, अपना सवाल पूछो, चलिए बात तुम कीजिए, लगाइए फटाक से, ask your question। Let your question, भाई हाँ, let your question be asked, by कहाँ लगा रहे हो, asked, 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 ये आपका क्या था, active था, ये आपका क्या था, passive था, ये क्या था, active था, ये क्या था आपका, passive था। पहले वाले दोनों बता दिया, अब आपसे हमने दे रहे हैं क्वेश्चन, उस पर करिए। चलिए लिखिए अगला क्वेश्चन, अगला जैसे आप पीछे तरह पिछला वाला जैसे करते थे, बाई हिम, बाई हर, बाई यू, बाई नेम लगाते थे जहाँ पर, उस तरह क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक ना। देखिए राहुल घर जाता है, राहुल घर जाता है, मैंने हिंदी इसलिए बोल रहा है कि आप उसके अंग्रेजी पहले एक्टिव बनाइए तब पैसिव बनाइए, राहुल घर जाता है, ठीक, राहुल स्कूल नहीं जा रहा है, राहुल स्कूल नहीं जा रहा है, दूसरा राहुल स्कूल नहीं जा रहा है, तीसरा सूरज पूरब में निकलता है या निकल रहा है, जो निकल रहा है सूरज पूरब में निकल रहा है, सूरज पूरब में निकल रहा है, सूरज पूरब में निकल रहा है, पूरब में, सूरज पूरब में निकल रहा है, ठीक, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, कितने वाक्य हुए, चार हुए, एक और लिख लो, वह नहीं हंसता है, वह नहीं हंसता है, वह नहीं हंसता है, वह नहीं लिखता है, चाहे जो भी लिख लो यार, वह नहीं हंसता है। अब देखिए हमने यहाँ पर आपको ना ही एक्टिव दिया ना ही पैसिव दिया है, आपको हमने टेंस के पांच वाक्य दे दिए हैं, आप पहले इसका एक्टिव बना दो पकड़ के, और पकड़ के एक्टिव बनाने के बाद सारे नियम अगर जिसको मालूम होगा जो क्लास में लिया होगा पैसिव तुरंत बना लेगा,
दो तीन मिनट समय दे रहे हैं एक्टिव बना के, पहले एक वाक्य का आप बना के हमको बताइए, उसके बाद हम देख रहे हैं। चलिए ठीक ना, एक्टिव पैसिव क्लास फिनिश हो गई है, कल से हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बात करेंगे, किसकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की। बस आज के लिए इतना है।